रिजल्ट में मतलब यहाँ पे हमें हमारे पास एक स्कोर बोर्ड है। स्कोर बोर्ड में हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो चार सब्जेक्ट्स हैं, मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। कंडीशन कहता है कि एवरी सब्जेक्ट का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हुआ तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास मोर देन वन कंडीशंस है, लेकिन सारे के सारे कंडीशंस हमें रिक्वायर है, मतलब कि सब में 33 से ऊपर होना चाहिए। जहां पे रिक्वायर होता है, ऑप्शनल नहीं होता है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर्मूला। यहां हम एंड फॉर्मूला लगाते हैं, यहां देते हैं इक्वल एंड। एंड में हम बोलते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसको लिया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसको लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर इसको लेके बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट फॉल्स आ गया, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। जहां ट्रू है वहां पे हमें पास करना है और जहां फेल है वहां पे ही करना है। तो इस तरह से हम देते हैं रिजल्ट। यहां पे हमने बोल दिया पास और यहां हम बोल देते हैं फेल। ये हमारा हो गया एंड का एग्जाम्पल।